हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक और टॉपिक। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि ये जो मैंने लिखा ये है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, और इससे हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, हमने क्या पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में? तो हमने ये पढ़ा कि भाई जो प्रकाश आपतित होता है उसकी आवृत्ति का मान कम से कम दैनिक आवृत्ति के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। जब अगर इस धातु पर प्रकाश गिरेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। सही है, तो देखा इस बात को कैसे प्रूफ करता है। इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दैनिक आवृत्ति के बराबर या इससे अधिक होना चाहिए। अब अपन समझते हैं, यहाँ पे ये जो न्यू है ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और ये उस धातु के लिए दैनिक आवृत्ति है। ठीक है, कितनी आवृत्ति तो होनी चाहिए, नहीं तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं। अब देखें इस हिस्से को मैं उठा के यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन दोनों का मान या तो जीरो के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी ले ली मैंने 10 और दैनिक आवृत्ति मैंने कितनी ले ली 20 हर्ट्ज। ठीक है, अब मैं इस इन मान को यहाँ पे रखूँ तो आंसर आता है -10। इसका मतलब अगर ये धातु में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है जिस पर प्रकाश आया तो अब यहाँ पे कितना कम पड़ गया उसको -10 कम पड़ गया। इसका मतलब इतनी ऊर्जा कम पड़ गई अब वो यहाँ से धातु की सतह तक भी नहीं आ सकता। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति 20 हर्ट्ज और दैनिक आवृत्ति भी कितनी है 20 हर्ट्ज। अब हम रखें तो आंसर कितना आता है बेटा 0। यहाँ पर रखें 20-20 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली लेकिन वो कहाँ तक आ पाया, केवल सतह तक आ पाया, सतह के बाहर नहीं आ पाया। ठीक है, अब हम बोले आपतित प्रकाश की आवृत्ति 30 हर्ट्ज थी और दैनिक आवृत्ति 20 हर्ट्ज। अब 30 में से जब 20 को माइनस करा, 30-20 यहाँ पर हमने रख के करा तो हमारे पास कितना बच गया 10। अब ये बचा हुआ 10 क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और बाहर निकाल के चलाने लगेगा, क्योंकि ये किसके बराबर, ये उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी गतिज ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए, बची हुई 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर गति देने के लिए। ठीक है, और मान लो इसकी जगह 40 होती 50 होती तो उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा क्या होती बढ़ती जाती है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मान आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो यह है आपकी आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या।